अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम उन बहन भाइयों से एक बात शेयर करना चाह रही हूँ कि बहुत दिनों पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो मैंने देखी भी और सुनी भी, तौबा नाउज़ बिल्ला। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे आलम दीन और मुसलमान होने के जो लोग इतने दावे करते हैं आशिक रसूल के नाम के ऊपर, जो उन्होंने गंदी सियासतें शुरू कर दी हैं, क्या वो वीडियो उनकी नज़रों से या उनके कानों से नहीं गुजरी होगी? जो एक घटिया इंसान, जो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, जो 12 से 24 घंटे जो होते हैं वो हर वक्त वो नशे की हालत में और चर्स की हालत में वो हर वक्त धुत रहता है, उसको बात करने की तमीज़ नहीं है। उसने इतनी बड़ी बात कह दी है कि जिस तरह मेरे अल्लाह पाक ने मेरे नबी की तैयारी करवाई और उसे फिर दुनिया में उससे फिर वो काम लिए गए, मेरी भी वल्ला मियाँ तैयारी करवा रहा है। मैं लानत भेजती हूँ इमरान खान तुम्हारी इस ज़ुबान पे, तुम्हारी इस शक्ल के ऊपर, कि तुमने किस हैसियत से, किस मुंह से तुम्हारे ये अल्फाज निकले, तुम्हारा तुम्हारी ज़ुबान क्यों नहीं कट गई? और हम लोगों के ऊपर, मैं अपने ऊपर भी कहती हूँ कि हमें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि हमने उसके ये अल्फाज सुनने हैं। और घटिया इंसान, तुम्हारी क्या औकात है? तुम तो जूते और उनके खाक के बराबर भी नहीं हो। उनका तो दुनिया के आने से पहले उनकी तैयारी कर दी गई थी और मुसलमानों में एक पैगाम दे दिया गया था। तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत, तुम सेनेट की वो 4 सीटों के पीछे तुमने अपना ईमान बेच दिया और तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। मैं तुम्हारे पर बेशुमार लानत भेजती हूँ इमरान खान। तुम इतने घटिया इंसान हो, तुम प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिशमंद हो, ये ख्वाब तुम देख रहे हो और तुम अपने मोहल्ले में, अपने घर में एक बाकिरदार इंसान साबित नहीं हो सके हो। मैं तुम्हारे ऊपर ढेरों लानतें भेजती हूँ।